हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल मितुल। आज हम आए हैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क WTP जयपुर, एंड मैं इसका पूरा इन एंड आउट व्यू और इसके बारे में कुछ डिटेल्स, इसके पार्किंग के चार्जेस वगैरह वगैरह मैं सारा कुछ शेयर करूंगी अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रेडी होकर हम निकल चुके हैं अपने होटल से जो कि मालविया नगर में ही है, सो लेट्स गो। हम अपनी गाड़ी से ही जाने वाले हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम रुके थे रॉयल एम्पायर में, जिसमें कि अमृतसर हाउस नाम का एक रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है, तो वो इस होटल के अंदर ही है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ उसके बाहर जो प्लांट्स लगे हुए वो शेयर कर रही हूँ। एज यू गाइज माइट नो दैट आई एम अ नेचर लवर, आई एम अ प्लांट लवर। यहाँ से WTP जो है वो 5 मिनट के रास्ते पे था सिर्फ, हार्डली 1.2 किलोमीटर्स। तो ये है WTP का बाहर से लुक। इसका आर्किटेक्चर बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। इसमें दो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और उन दोनों के बीच ये देखिए एक स्ट्रीट है और उस स्ट्रीट में ही रेस्टोरेंट है। तो हम अंदर भी जाएंगे, रेस्टोरेंट भी एक्सप्लोर करेंगे। शॉपिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। पार्किंग का चार्ज हमें यहाँ पे लगा था मात्र 50 रुपये, 50 रुपीज़। आप कितने भी देर पे के लिए आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, चार्जेस आर ओनली 50 रुपीज़। एंड चूंकि हम बेसमेंट से जा रहे थे पार्किंग एरिया से, तो ये देखिए यहाँ पे एक मॉडल बना हुआ है WTP का, वो भी हमें देखने को मिल गया। मगर अगर आप कोई भी शेयर्ड राइड से आ रहे हो या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो आपकी एंट्री सामने से होगी, जिसका भी लुक मैंने कैप्चर किया है वीडियो में। ये देखिए, ये रहा एक खूबसूरत सा व्यू इसके सीलिंग का। तो ये वन ऑफ द ब्लॉक्स है, तो हम दूसरे वाले ब्लॉक में भी जाएंगे। आई होप आप लोगों को मेरे जयपुर के ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। हवा महल, जल महल, बिरला मंदिर, मोती डूंगरी टेम्पल, ये सारे मैंने ब्लॉग शेयर किए अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है कोई भी वीडियो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। WTP के अंदर की थीम बहुत ही खूबसूरत है और जैसा कि मैंने पढ़ा था, यहाँ पे जो आपको पीछे पिलर्स दिख रहे हैं उसमें कुछ गोल्ड भी यूज़ हुआ था, बट आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट। व्हाट आई नो इज WTP इनॉग्रेट किया गया था बाय SRK, बाय शाहरुख खान, एंड इट वाज ओपेंड इन 2012 ऑफिशियली। WTP में चूंकि 13 फ्लोर्स हैं तो सबको एक दिन में एक्सप्लोर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली डू ट्राई इट आउट। अब हम जा रहे हैं साउथ ब्लॉक शॉपिंग सेक्शन में, जहां पे फेमस दुबई बाजार है। ये देखिए हाउ ब्यूटिफुल, कलरफुल, क्रिएटिव इट इज। मैंने इस तरीके की क्रिएटिविटी नहीं देखी है किसी भी मॉल में आज तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये है दुबई बाजार के ठीक सामने। अब हम चल रहे हैं दुबई बाजार से होते हुए फूड कोर्ट की ओर, क्योंकि मुझे आज कोई शॉपिंग नहीं करनी थी। मगर अगर आपको शॉपिंग करनी है, यू वांट टू बाय ज्वेलरी, परफ्यूम्स, क्लोथ्स, यू नो, क्लोथिंग, फुटवेयर, परफ्यूम, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, शो पीसेस, कैंडीज, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। आप देख सकते हो कैप्स है, एक्सेसरीज है, क्लोथिंग है, ब्यूटीफुल शो पीसेस, आप आराम से खरीदारी कर सकते हो। चूंकि आज मुझे शॉपिंग नहीं करनी थी इसलिए मैंने वो वाला पार्ट एक्सप्लोर नहीं किया है। ये होते हुए आप एंटर कर जाते हो इस फूड कोर्ट में, एंड जस्ट सी दिस। Simply beautiful, gorgeous it is. I was actually shocked to see, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखा था WTP का, तो मुझे बहुत सुंदर लगा ये। यहाँ पे देखिए द येलो चिली है, एज वी ऑल नो संजीव कपूर जी का रेस्टोरेंट, एंड उसके अपोजिट में KFC है, बिस्त्रो है, यहाँ पे बर्गर किंग भी है, थिंक बर्गर किंग या मिकडी है शायद, पिज्ज़ा हट वगैरह बहुत कुछ है खाने के लिए, चाइनीज से लेके साउथ इंडियन से लेके नॉन वेजिटेरियन आइटम्स, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। ये देखिए मैंने जूम करके कैप्चर करने की कोशिश की है,
दिस आर्किटेक्चर इज जस्ट एस्टोनिशिंग। एंड बड़ी सी स्क्रीन में वहाँ पे वीडियोस चल रहे हैं, म्यूजिक चल रहा था। यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, यू आर गोइंग टू एंजॉय योर फूड। यहाँ पे लेफ्ट साइड में पूरी दुनिया का एक नक्शा बना हुआ है दीवार पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग पिक्स लेते हैं, मैंने भी लिया था। ये देखिए मैंने राइट साइड में डाल भी दिया है, यहाँ पे जो हमने पिक क्लिक कराई थी, WTP अर्थ केयर वर्ल्ड ट्रेड पार्क, एंड इट इज ऑल वाइट शाइनिंग, सो ब्यूटिफुल इजंट इट। आप मेरे पीछे CCD वगैरह भी देख सकते हैं, लगभग सारे रिटेल आउटलेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। सो प्लीज डू विजिट WTP वंस इफ यू आर इन जयपुर। ऑर्डर डन। एंड आज हम खाने वाले हैं वेजिटेरियन खाना फॉर अ चेंज। हमने ऑर्डर किया है चाइनीज कॉम्बो। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, आप खाते खाते मतलब इस तरीके का नज़ारा मिल जाए तो किसको मज़ा नहीं आएगा, है ना। आई होप वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो, अगर अच्छी लग रही है तो नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये देखिए यहाँ पे ओरिजिनल ये लाइव प्लांट्स हैं, हाउ ब्यूटिफुल इट इज, सी दिस। तो हमने यहाँ से ऑर्डर किया वेजिटेरियन बाय चॉइस से नूडल्स, वेज मंचूरियन, पनीर चिली, इतना हमें मिला एक वेज कॉम्बो में, चाइनीज कॉम्बो में सॉरी। एंड फिर हमने अलग से कोक भी लिया था। फिर हम आ गए हैवमोर में आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि आजकल मुझे हैवमोर की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू आई थिंक अमूल एंड ऑल, मगर आपने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ डू ट्राई इट आउट। ये देखिए हमारा यहाँ पे कस्टमाइज एक आइसक्रीम रेडी हो रहा है, इसमें खूब सारी चोको चिप्स गई है अभी एंड खूब सारा चॉकलेट जा रहा है। हमने ये वाला लिया ना, चॉकलेट एडिक्शन। नहीं अभी तो वो ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे शायद। जब ऑफिस में जब हमारा होता था ना तो इसमें ऐसी भीड़ होती थी कि हम खाने ही नहीं जाते थे। मेरी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है एंड अब इसमें बस जाना है ढेर सारा चॉकलेट सिरप। ये देखिए चॉकलेट सिरप अब जा चुका है, अब मैं अपनी आइसक्रीम ले करके भाग चलूंगी। जस्ट किडिंग, मैं अपनी आइसक्रीम में बिल्कुल ही मगन हूँ। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा आइसक्रीम इतनी भी पसंद नहीं है, आप लोगों को शॉक लगेगा जानकर, मगर इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि मुझे ज़्यादा आइसक्रीम खाने से माइग्रेन होने लगता है। तो ये रही आइसक्रीम मेरी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को भी पसंद आ रही होगी। एंड इट वॉज रियली वेरी वेरी यमी गाइज, बहुत ही अच्छा था। और आप पीछे देख सकते हो यू चाइना भी है एंड मैंने जितने भी आउटलेट्स थे आई हैव ट्राइड टू कवर मैनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आई वुड से। अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को WTP का बाहर से एक लुक दिखा पाऊँ कि ये कैसा दिखता है, स्पेशली इन द इवनिंग। सो इवनिंग के टाइम पे सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं एंड आई वॉज वेटिंग कि WTP जो लिखा हुआ है वर्ल्ड ट्रेड पार्क उसकी भी लाइट ऑन हो जाए, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे आने तक वो नहीं हुई। ये रहा इसके बाहर का एरिया एंड जो मेरे जस्ट सर के ऊपर आपको एरिया दिख रहा है, आपको दिख रही होगी वहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, तो दैट इज़ द मेन एंट्रेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा वर्ल्ड ट्रेड पार्क और आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन थे कि वहाँ पे थोड़ी लाइट्स ऑन हो जाती तो वो और भी ब्यूटीफुल लगता, बट अनफॉर्चुनेटली ऑन नहीं हुई। मैंने बहुत देर तक वेट किया हम दोनों ने ही। ये इसकी स्ट्रीट्स है, तो ये बेसिकली सर्विस रोड है, यहाँ पे एक क्लॉक लगी हुई है, बहुत ही एंटीक, बहुत ब्यूटीफुल एंड एक अच्छी सी ठंडक महसूस होगी आपको यहाँ पर क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे हैं। ये देखिए एक ग्लोब है जैसा कि वर्ल्ड ट्रेड पार्क है ये, तो यहाँ पे लेट्स स्पॉट इंडिया। तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी स्पॉट कर लिया प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट मी नो।
ओला या कोई भी कैब ऑटो किसी भी तरीके से आप आ रहे हो तो दे विल ड्रॉप यू एट दैट पॉइंट एग्जैक्टली। एंड आप देख सकते हो अभी रात में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आती है उसको टच करके सेलेक्ट ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी अपने चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल, आई सी यू नेक्स्ट सैटरडे। बाय बाय।